पहले ग्राम मोर्चे ने और अब दीदी के दाम और दमन मोर्चा ने जूट की फैक्ट्रियों में ताला लगा दिया है। ट्रेड यूनियनों की गुंडागिर्दी, सिंडिकेट के वसूली गिरोह ने जूट उद्योग और जूट किसानों को बर्बादी के कगार पर लाकर छोड़ दिया है। लेकिन आपका एक चौकीदार स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहा है। हमने कुछ महीने पहले ही जूट के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार बनी तो जूट की औसत कीमत प्रति क्विंटल 2000 रुपए की कम थी। अब ये बढ़कर लगभग 2 गुनी तक पहुंच रही है। इस फैसले का लाभ पश्चिम बंगाल के जूट पैदा करने वाले किसानों को भी मिलना तय है। इतना ही नहीं, भाजपा एनडीए सरकार ने ये भी जरूरी कर दिया है कि गेहूं, चावल जैसे अनाज की पैकेजिंग जूट के बोरे में ही हो। भाई और बहनों, यहां जो फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर है, मुझे उनकी स्थिति परिस्थिति का पूरी तरह एहसास है। भारत मां की किसी भी संतान, भारत मां पर आस्था रखने वाले किसी भी व्यक्ति को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 23 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। इस समय 23 मई को चित्र साफ हो गया होगा। 23 मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार आएगी, तब आपकी, ये ध्यान से सुनिए, आपकी नागरिकता का कानून पूरी शक्ति के साथ संसद में बनाया जाएगा, ताकि आपको सरकार की हर योजना का पूरा लाभ समय पर मिल सके। आपको टीएमसी के जगाई मथाई के बंधनों में ना रहना पड़े, ये इंतजाम